तो मेरे बाबा जो वो पहनते थे वो धोती से बोलते धोती पहनते थे वो धोती पहनते तो मैंने कहा तू भी धोती पाया कर तो एक दिन मैंने धोती पा ली तो बस फिर मैं सो गया सुबह धोती मेरे साथ पड़ी हुई थी पता ही नहीं था। अच्छा ये वो चीजें जो मैं कभी नहीं भूल सकती, कुछ कुछ चीजें हैं जो दादू ने मुझे सिखाई हैं और मुझे कोई ऐसा टाइम कोई ऐसा मोमेंट याद नहीं पड़ता कि कभी उन्होंने हम में से किसी को भी डांटा हो या थप्पड़ मारा बिल्कुल हो, कभी भी नहीं। अच्छा लग ओश ओए होए 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 हैवी राबिया हैवी मेरे रंग बदल रहे हैं। हाँ राबिया के रंग बदलते हैं, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, राबिया के भी रंग बदलते हैं। ये रखो ना मैं सबको दिखाना चाहती हूँ। Assalamualaikum everyone, welcome to Sistrology. This is me, your one and only Krakawal. और आज के नए ब्लॉग में सबको खुश आमदीद। और आज के ब्लॉग की स्पेशल बात यह है कि अब जो है वो रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, तो हम इफ्तारियाँ जो है ना वो बना के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ गरीब लोगों के घरों में भी भिजवाते हैं, कुछ अपने नेबर्स के घरों पर भी भिजवाते हैं, कुछ राशन की चीज़ें भी। और आज की जो मेन मोटिव इस चीज़ का यह है कि आज मेरे दादा अबू की बरसी है और उनकी डेथ को 5 साल हो गए और हम हर साल जो है वो उनके नाम इफ्तारी बना के जो है वो देंगे। तो आज की सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप लोगों ने मेरे दादा अबू को अपनी दुआओं में याद रखना है, उनके लिए मगफरत की दुआ करनी है स्पेशली, और मेरी मामा इस चीज़ का खास इस्तेमाल करती हैं। लेट्स सी कि वो क्या कर रही हैं और क्या बनाया और क्या बांटने वाले हैं। सो लेट्स गो। सो माई मॉम इज़ डूइंग हर जॉब और ये बना रही हैं अभी कुछ चीज़ें। और आज क्या बांटने वाली हैं आप? आज मैंने इफ्तारी भेजती हूँ। क्या बनाना है उसमें? कोड़े, फ्रूट चाट, आलू चने इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। और इस वक्त सब निढाल हुए हैं क्योंकि सबको इस वक्त मामा अपनी ड्यूटी बना रही हैं। सबने कहा हमने आज खाना नहीं खाना, सिर्फ पकौड़े खाने, इसलिए मैंने फ्रूट चाट, आलू चने, पकौड़े बनाए। और बांटने के पर्पज़ से भी हमने यही बनाए हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ें होती हैं रोज़ों में। मैंने कहा चलो कुछ ज़्यादा बना लेते हैं, बांट भी लेते हैं, वैसे भी आज तुम्हारे दादू की बरसी है। हाँ जी, ये मैंने बताया कि मेरी मामा हर साल जो हैं वो कुछ ना कुछ उनके नाम का बांटती हैं। तो आपकी उनके साथ सबसे अच्छी मेमोरी? अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मेरे दादा सास बहुत... तो मेरी थी नहीं। कभी वो सास बने आपकी? नहीं। सनन जी बन रहे हैं ताज़ा ताज़ा पकौड़े बनाने का ही मज़ा आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मामा ने किस तरह से जो है ना वो ट्रे बनाई है, पकौड़े, फ्रूट चाट, और वो ये हमारी बनेगी दूसरी और फिर तीसरी और इसी तरह एज इट इज़। सो हमारी कुछ ट्रेज जो है वो रेडी हो रही हैं, कुछ हो चुकी हैं। सो हमारा ये जो पोस्टमैन है, ये पोस्टमैन बांटने वाला है इस वक्त। चलो अपनी ड्यूटी पे लग जाओ, शाबाश, पकड़ो एक एक ट्रे करके। आप भी आना। चलो मैं भी आ रही हूँ। सास दोनों नहीं ना पका सकता यार, एक एक करके लेके जाओ ना, इसलिए मामा काम एक एक करके बना रही हूँ। अच्छा जी, ये मेरी मामा ने आलू चने बनाए, ये मेरी मामा ने फ्रूट चाट बनाई और ये मेरी मामा ने पकौड़े बनाए। वैसे मानो दरवाजा खोलो, मानो ने मुझे असिस्टेंट रखा हुआ है। अच्छा बाहर, अब देखो छोटी बहन कैसे जब इनको मौका मिलता है काम, मारो गिरा ना देना ध्यान से। आप होती समझ में भी आता गिर जाता, मैं तो बिल्कुल। हाँ जी, आप क्या हैं, मुझे क्या समझती हैं आप? चले दौड़े और देख के आए वापस। राबिया ने मुझे एकदम कमरे में इनवाइट किया। होती है ये हमारी बहन राबिया, फैसल ने कुछ एंटीक पीस मंगवाया, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखिए पता नहीं क्या है डब्बू, और ये मैंने वैसे फ्लैशलाइट के बगैर आपको दिखाती हूँ, बड़ा प्यारा लग रहा है, लग रहा है जगमगाते सितारे। यार ये देखो, मतलब बिना फ्लैशलाइट के आप अच्छा लग, ओए हैवी राबिया हैवी, कितना अच्छा लग रहा है बेडरूम में। और करो चेंज। अच्छा अच्छा, स्टार्स वाली फीलिंग अगर आपने लेनी है, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, तो आप इन लाइट से, क्या ये एक डुगडुगी लाइट राबिया ने मंगवाई है? अच्छा अच्छा, ये लाइट पिंक कलर की है मेरे सामने इस वक्त, वो है सोना आंटी का। अब येलो हो गई है, अब येलो यार अच्छी लग रही है। अब कलर चेंज करती जा रही हूं, अब कौन सा कलर है? ओए कितना प्यारा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है। ये लड़की अपनी शाहकारियां इसके मुंह पे, ओहो राबिया बदलते हुए रंग, राबिया के गिरगिट वाले बदलते हुए रंग, मेरे रंग बदल रहे हैं। हाँ राबिया के रंग बदलते हैं, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, राबिया के भी रंग बदलते हैं। ये रखो ना मैं सबको दिखाना चाहती हूं। मुझे एकदम पता है किसकी याद आ गई है, अपने बचपन की। ओए होए 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 फातिमा, इस जगह एक बेस्ट मीम सूट करती है। अ फ्यू मिनट्स लेटर, मानो गई बर्तनों के साथ थी, वापस बर्तनों के बगैर आई है।
तो तुम्हारी क्या हुई, शक्ल उतरी हुई है। इतने लोगों को खाना दे दोगे जब आप अकेले में तो क्या हाल होगा। घर के छोटे बच्चे का यही काम होता है, आपको नहीं पता। और आप इंजॉय कर रही थी घर में। हाँ, मैं घर में एंजॉय नहीं कर रही थी, मैं आपको ट्रेस बना बना के दे रही थी और मैं थोड़ा बिजी हो गई थी इसलिए मेरा फोन बंद। आपने बनाई है ट्रेस? हाँ जी मैंने बनाई। सारा झूठ निकाल लूंगी, मम्मा ने बनाई है। तो मम्मा की हेल्प कौन कर रहा था ये तो नहीं पता मुझे। खैर अल्लाह बाय। अच्छा जी, तो हम पापा से पूछेंगे कि उनके आज उनके वालिद साहब की जो है वो बरसी है, तो हम पूछेंगे इनसे कि इनकी क्या बेस्ट मेमोरी। वैसे तो पेरेंट्स के साथ हमेशा एक बेस्ट मेमोरी था, मेरी भी पापा के साथ बेस्ट मेमोरी है। वो मेरी असल में जो आपके दादी के साथ बेस्ट मेमोरी थी ना, वो ज़्यादा कुटाई होती थी भाई। कुटाई? क्यों? दादी स्ट्रिक्ट थे, बहुत मारते थे। नहीं स्ट्रिक्ट नहीं थे हम, शरारती थे, शरारती थे, चांसेस बना के रखते थे ना ताकि उनके साथ लगाओ रहे ना। अच्छा, पेरेंट्स के साथ तो पुराने टाइम में बच्चे इसीलिए ज़्यादा कनेक्टेड होते थे कि वो ठपक ठपक। वो तो अब दुनिया से चले गए हैं ना, तो वो लेकिन हमारे लिए तो वो वैसे ही जैसे भी ऐसे ही, तो हम मतलब कि उनको लेकर ज़्यादा वो रंजीदा नहीं होते, तो जाना तो हर एक में तो, लेकिन ये कहते हैं हम मैं हैप्पी रहूँगा तो वो हैप्पी रहेगी। हमेशा कहते हैं जाने वाले का गम नहीं करना चाहिए। वो बड़ा चाहता था पापा फेमस हो। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं आपकी फेमस हो और मुझे कौन जानता है। बस दिल का अच्छा होना चाहिए इंसान को। मेमोरी बताया ना बेस्ट, बस कुटकुटैया और नहीं नहीं। पापा सबसे, मैं आपको बताती हूँ जो मुझे दादा को बैठ के बताते थे कि ये बो ये जो थे ये सबसे पहली औलाद थे अपनी अपने अब्बा की और बहुत महंगी औलाद थे। जब ये पैदा हुए थे तो कितने उन्होंने बकरे बांटे थे और क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की थी, और क्योंकि नतीजे में हमारे अब्बू आए थे ना क्योंकि ये हमें दादा को बताते थे कि सबसे पहले थोड़ा प्यो हों ना बहुत शरारती सी। एने मैंने बड़ी जगह जलील भी कराया, जलील इन सेंस के यानी के कभी कहीं जाना तो किसी के साथ पंगा ले लिया छोटे होते ना बंग बजो शरारत की वजह से। हमेशा मेरे पास होती थी तो मैंने साइड पर रखी थी। साथ इनके दोस्त होते थे, वो दोस्त थे मेरे, वो आजकल माशाल्लाह कहीं इधर उधर ही है। माशाल्लाह बस अगर देख रहे होंगे उनके पास चल जाएगा। मैं क्या कहूं, एक तो अंकल इमरान है जो तो हमें बहुत अच्छे से याद है क्योंकि उनके हमारे साथ भी बहुत वो आते थे, और ये वो दादू के साथ तो यही है कि सबसे ज्यादा प्यार भी पापा से करते थे, सबसे ज्यादा तो वो बस ये था कि वो दादू मेरे ना जो मेरे आपके दादू थे मेरे बाबा जो वो पहनते थे वो धोती से बोलते धोती पहनते थे वो धोती पहनते तो मैंने कहा तू भी धोती पाया कर। तो एक दिन मैंने धोती पा ली तो बस फिर मैं सो गया, सुबह धोती मेरे साथ पड़ी हुई पता ही नहीं था। ये तो पहली बार दादू को पूछना था जाग नहीं, आपने मुझे क्या मशवरा दिया। अच्छा पुराने उनको, अच्छा उनको सैर का बड़ा शौक होता था, पेट्स का बहुत शौक था, उन्होंने कुत्ते पाले हुए थे, पौधे परिंदे हमारे घर में ऐसे था जैसे बस सिर्फ ची ची पी पी डॉग्स, और ये पापा को पेट्स का बिल्कुल शौक नहीं। कुत्ते का तो शौक था अभी भी है, लेकिन अभी भी है लेकिन अभी बस अम्मी की तरफ देखता हूं तो डर लगता है, मम्मा नहीं रखने देती हमें। अभी हमारी अम्मा कहती है ए ए ए जड़े पानी अंजना इन्हें संभाल लो बाकी कुत्ते बाद में पालेंगे। तो ये हमारे पापा की अच्छा बेस्ट मेमोरी अभी भी नहीं। तो ये बेस्ट ही थी धोती वाली, बेस्ट मेमोरी यही ना धोती वाली बेस्ट मेमोरी थी फनी वाली। और सबसे इमोशनल और ये सबसे जो मजेदार धोती वाली जो बात है ना, वो ये नहीं थी कि गर्मियों के दिन थे, सर्दियों के दिन थे, ऊपर रजाई ली हुई थी, सॉरी बोल मतलब जो साइड में पड़ी हुई थी रजाई के अंदर ही था मैं। फिर ठीक है, फिर बना लोग परेशान हो जाते हैं। और जो चीज़ है वो ये कि आपकी उनसे मोस्ट इमोशनल कभी तकरार नहीं हुई, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों में उनका मैं हर टाइम को मजा आ रहा था, कभी उनके मुंह में बात होती तो मैं फौरन से भूल गया। ये तो मेरी शुरू से रही है। थोड़ा ज्यादा प्यार करता हूं। पापा की शादी की, पापा की शादी, लोग पूछते पापा यंग क्यों है, शादी जल्दी हुई इसलिए बच्चे बड़े छेती हो गई। ये क्रेडिट हमारे दादा को भी जाता है कि हमारे अब्बा यंग क्यों दिखते हैं, वो इतना प्यार करते थे ना शादी का आते वो चार थे इतना खुश क्यों फिर रहा है, इसको भी थोड़ा अपने वाला। लेकिन नहीं, वो मम्मा के साथ भी बड़ा अटैच थे, दादा अबू हमसे बड़ा प्यार करते थे, हमें कहते थे मेरा नाम उन्होंने मून रखा हुआ था, मुझे प्यार से मून कहते थे। हाँ मुझे मून कहते थे, फातिमा को बिल्ली कहते थे, हीरा को कहते थे मेरी पोती है, सब ज्यादा मुझे प्यार करते थे याद करो। हाँ तुम्हें तो करते थे, तुम चौथे नंबर पे थे, तुम्हारा प्यार तुमसे खत्म हो गया था, बड़े बच्चे आ गए थे खानदान।
ये एकदम कचरा रानी की है। अभी मम्मा घर पे नहीं है और मम्मा लोग कहीं गए हैं। इस लड़की की बननी थी वीडियो और इसने जो हशर किया ना इस वक्त इस कमरे का, तो मैं मम्मा आके बताएंगी। इसने ये स्टैंड गिराया अभी इसी वक्त मेरी दो आंखों के सामने। अब लगी हुई है पैकिंग करने सब कपड़े। हाँ लेकिन तुमने ज्यादा गंद किया है। अभी इसकी वीडियो के लिए ना इसने मुझे रोक के रखा है, अब सब कुछ समेटेगी। देखिए मेरी मम्मा ने कैसे अरेंज करके बॉक्सेस, सारे बॉक्सेस, हर चीज रखी हुई है, ठीक है। लेकिन इस लड़की ने भी दो बैग्स लेके कहीं जाना, ये कमरा ऐसे ही गंदा रहेगा। तो ये सुबह तुम्हारी लगेगी, जब वाट तो फिर तुम्हें लगेगा पता। तो हम दोनों घर पे, और ये तो पता नहीं इंग्लिस्तान जा रही है, इंग्लैंड जा रही है, इसको बिल्कुल जल्दी पड़ी हुई है। और बाकी हजरात यू नो शॉपिंग करने गए हैं, और मैं पिछले दो दिनों से शॉपिंग कर करके फिर के ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये देखें, ये लड़की शूट कराने के बाद, दिमाग ख़राब करने के बाद मेरा अब जो है ना वो खान अपना पेट पूछ कर रही है। यार कुछ है ही नहीं, इफ्तार के बाद इतनी भूख लगी है। मामा अभी सिर्फ आलू चने बना के गई हैं। फ्रूट चाट आप खा चुकी हैं, आलू चने पकौड़े सब खा चुकी हैं, यही है और क्या मिलेगा। मुझे कुछ नमकीन खाना है। पकौड़े पड़े हुए हैं, इमली की चटनी खाओ। वो वाला नमकीन भी नहीं, कुछ मजे वाला नमकीन खाना है, स्पाइसी सा पिज्जा। पिज्जा नहीं, कल खाया था अभी। एक तो ये हमारे बड़े मसाइल हैं, अभी हमने ये चीज कल कही थी, हम अभी क्यों खाएं। हम दोनों इस वक्त हैं और ये हम दोनों इस वक्त भूखे, आप इसको कह सकते हैं कि भूखों की तरह हम लोग अपने घर में ही तलाश कर रहे हैं कि हाँ तुम खुद पाइनएप्पल खा रही हो। ये देखें इसको जरा, भरपूर तरीके से, ठीक है, और चलाखों की तरह, और कह रही है कि अभी तो कुछ है नहीं है, सब कुछ है। सीधी तरह कहें कि वो जो एक रोटी और सालन वाली जो भूख होती है ना, यानी कि प्रॉपर कोई कढ़ाई गोश्त बनी हो, हाँ मुझे भी वो बिरयानी हो, पुलाव हो, हंडिया हो, मतलब इफ्तारी में भी आपको पता है कि बंदा ही खा के थक जाता है। खैर अब हम हीरा के पास चलते हैं थोड़ी मेमोरीज रिकॉल करने के लिए, एज यू नो कि हम अपनी बचपन की मेमोरीज, अपने दादा बू के साथ की मेमोरीज। स्पून चाहिए, स्पून मैं दूं, फोक चाहिए, इसको फोक के साथ। बड़ी बहन नहीं, बहुत बड़ी बहन हूँ, पहले कहो प्यारी बहन। फोक चाहिए, मुझे जूस पीना था स्पून से। इतनी तारीफ मुझे हसन नहीं हो रही है, कह रही है मुझे स्पून जी लाती हूँ। चले आज हम बात कर रहे थे दादू की, आज बरसी थी, तो आपकी बेहतरीन मेमोरी क्या है। अच्छा लोग मुझसे पूछते हैं कि तू आप अपना नहीं बताती। ईद आने वाली है और मुझे ईद से याद आता है, हर ईद पे जब भी दादा बूई दी देते थे ना, सबको दे दी, फ्री हो गए, मुझे अलग से बुला के अलग से ईदी देते थे एक्स्ट्रा। एज यू नो के अच्छी चीज लगती थी। एज यू नो के दादा बू की फेवरेट थी, और मैं आपको भी बता दूं, दादा बू के पास जैसे घर के बुजुर्ग होते हैं, उनके पास कितने सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम होते हैं, अखरोट होते हैं, फलानी टमकानी हर चीज होती है। हम लोग आते थे, हमें चार बादाम गिन के ना डेली सुबह स्कूल जाने से पहले वो देते थे, इसको चार की बजाय आठ बादाम मिलते थे, और ये वो चार ऐसे जला जला के, और पता है खाती कैसे थी, ऐसे करके जान के कि मेरे पास इतने ज्यादा है। नहीं ऊपर ये भी नहीं कि मैं उनकी फेवरेट, सभी फेवरेट थे, लेकिन वो मुझे कहते थे मुझे अच्छा मैं ना दादू की रोज रात को पाँव दबाती थी, ठीक है। तो एक दफा ना मैं पाँव दबाने नहीं गई, मेरे पाँव नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं लेटी हुई हूँ आके, तो आके कहते क्या हुआ है, मैंने कहा दादू मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो आके उन्होंने मेरी टांगे दबाना शुरू कर दी, मैंने कहा नहीं नहीं दादू छोड़ दें, कहते नहीं नहीं रोज मेरे दबाती हो, आज मैं तुम्हारे दबाऊंगा। मुझे मेरे पास तो बहुत है दादू की मेमोरीज, हम वॉक करने जाते थे। हाँ मेरे पास भी बहुत है, मैं बताया था हम दादू के जूता ढूंढते होते थे दुकान से आते थे, हो शॉप से जहाँ से, और इतनी प्यारी उनकी ड्राइंग थी, इतनी प्यारी वो कैलीग्राफी करते थे, मुझे लगता है मेरी हैंडराइटिंग अपने दादा बू पे गई, और हम उनको बहुत मिस करते हैं। बहुत अच्छी आती है पेंट, कैलीग्राफी आती थी, मुझे कहते थे ए तू पेंट नाल किंज बनानी है, पेंटिंग बनाती थी ना, मैं कहती पेंट नाल किंज बनानी, उनको ना मार्कर से कट वाले से मार्कर का आता था ज्यादा, और वो लिखने का शौक होता था। खैर अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। दादा बू की बात याद आ रही है, तुम्हें हमेशा हर चीज, इसको कोई इंटरव्यू देने जाए इसको हर चीज भूल जाती है, जिंदगी में कोई भी चीज है इसको पहले भूलती है। मुझे जिंदगी की पहली गोल रोटी दादू ने बनाना सिखाई, राय तुमने पिछले एक व्लॉग में बताया था। अच्छा ये वो चीजें जो मैं कभी नहीं भूल सकती, कुछ चीजें हैं जो दादू ने मुझे सिखाई हैं, और मुझे कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसा मोमेंट याद नहीं पड़ता कि कभी उन्होंने हम में से किसी को भी डांटा हो या थप्पड़ मारा, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। He is highly against violence. वो बहुत अगेंस्ट है, इनफैक्ट वो घर के काम खुद किया करते थे। वो कहते हैं ना कि एक वो कपड़े अगर नहीं कोई धुले हुए या कुछ नहीं, वो खुद ही से ही
वो चीजें करते थे खुद ही मशीन लगा के हम लोग बहुत छोटे छोटे होते थे। आओ कपड़े धोए, मैं दादू के साथ मिलके टप में बैठ के पानी के अंदर दादू कपड़े धो रहे होते थे, मैं टप में बैठी होती थी। और हमारे दादा का एक डॉगी जो था ना वो ट्रेन के नीचे आके बेचारा फौत होता, तब हम वॉक में भी जाते थे, तब वो बहुत रोए थे, उनको पेट से बहुत प्यार था, जानवरों से वो बहुत प्यार करते थे। एक दफा कुत्ते वाला वाक्य तुम्हारे कान पकड़े थे तुमने, एक दफा मैं आपको बताती हूँ। हाँ मैं वो दादा का वाक्य नहीं, मैं आपको वैसे बताती हूँ। एक दफा क्या हुआ, हमारे घर पे हमारे दादा ने बहुत ज्यादा डॉग्स रखे हुए थे, हमारे डॉगी का नाम था जैकी। हीरा बहुत डरती थी और मैं बिल्कुल नहीं डरती थी। हम लोग ना छत पे उसको रखा हुआ था और छत का लॉक कर देते थे, ठीक है। हीरा को हमने कहा, हीरा डॉगी को दादाबू सैर पे लेके गए हैं तो ऊपर कोई भी नहीं है, तो तुम ऊपर जाओ। ये ऊपर गई है, अब वो इसको नहीं पहचानता था, ये उसको नहीं पहचानती। चाचू ने पीछे से लॉक कर दिया दरवाजा, और पीछे से कर दिया दरवाजा लॉक, लेकिन मैं साथ थी इसके, ऐसे आया वो मेरे, और डॉगी इसके ऊपर ऐसा था। और इसने पता उसको पीछे कैसे कर, उसके दोनों कान पकड़ लिए। बिल्कुल न्यू जूता लेके आई थी, और मैंने वो शूज उसको ऐसे मारा, उसने मेरा सारा जूता खा लिया। और मुझे वो पहचानता था क्योंकि मैं उसके साथ खेलती थी, इसको वो नहीं पहचानता था। अननोन बंदों को वो पड़ जाता, इसके ऊपर पड़ गया, एक बार उसका इधर था, एक बार हीरा के ऊपर डॉगी, हीरा ने उसके दोनों कान पकड़ के ऐसे मुझे अभी स्केरी। और फिर मुझे अपनी छोटी इधर और इधर मारे थे। चाचू आए भागे भागे, ओह मुझे तो पता नहीं था तुम ऊपर हो। फिर दादू ने बहुत वाट लगाई, फिर जानबूझ के चाचू ने बंद किया था तुम्हें। और दादाबू ने फिर चाचू को भी बहुत डांटा, हम सबको बहुत डांटा, और इसको प्यार करके 5 रुपए दिए थे। और उस वक्त 5 रुपए आजकल के 500-5000 जितने थे। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो बॉक्स हम लोगों ने गिफ्ट बॉक्सेस लिए थे, जो बॉक्स हम लोगों ने बांटने हैं, उसमें क्या क्या है। तो उसमें उस बॉक्स में 5 किलो का आटा है, और ये आटा मैं इधर रख रही हूँ, 5 किलो का आटा है। साथ में जो है वो नमक है, और उसके बाद हमारे पास है ये जी बेसन, और हमारे पास है ये पत्ती, और जिसमें कुकिंग ऑयल, खजूरें, ये रूह अफ़ज़ा, और उसके अलावा है ये सारी ये चीनी का पूरा पैकेट है, और साथ में हमारे पास ये है जी चनों का पैकेट है, और साथ में है जी चनों की दाल का पैकेट है, और सेवइयां हैं, और उसके अलावा हमारे पास हैं जी दो चावल के बैग्स हैं, ठीक है। अभी मैं वापस इसी तरह से रख रही हूँ। ये बॉक्सेस हैं जिससे किसी को फ़ायदा भी होता है, और किसी के घर में इसकी बहुत ज़रूरत भी होती है, और ये मेरा ख़्याल से मंथली लोगों को ज़्यादा दुश्वारी भी नहीं होती है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने खरीदी थी, तो आज के दिन हम ये चीज़ें भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये मैंने आपको इसलिए सारी अनबॉक्सिंग करके दिखाई है, ये अनबॉक्सिंग का एक अपना ही मज़ा होता है, और हर किसी का दिल करता है कि बॉक्स खोल के देखें इसके अंदर है क्या। अच्छा ये आज 2 डिब्बे हमारे घर एक और आए हैं, अब हम आज डिब्बे खोलने का। अच्छा इनमें हमारे ईद के ड्रेस है, मेरे नहीं, हीरा और राबिया का और फातिमा का। ईद सेकंड डे आ गया है, मेरा ना पहले दिन का ड्रेस आया ना सेकंड डे का आया, पता नहीं मैं क्या पहनने वाली हूँ यार।